हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड सेशन ऑन द क्यूए सेक्शन ऑफ कैट 2017। अर्लियर वी हैव सॉल्वड टू सेशन ऑन द सेम टॉपिक, सो दोज हु हैव नॉट सीन दोज वीडियोज, फर्स्ट आई विल एडवाइज ऑल ऑफ यू टू गो बैक टू दोज वीडियोज, सेट वन एंड टू, एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो, बिकॉज द क्वेश्चंस इन दिस वीडियो वुड बी रिलेटिवली मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टू वीडियोज। सो लेट्स स्टार्ट विद अर first question. So pause the video and try to solve the question and see whether you get to the right answer or not. The question is saying, if Fatima sells 60 identical toys at 40% discount on the printed price, then she makes 20% profit. 10 of these toys are destroyed in fire. While selling the rest, how much discount should be given on the printed price so that she can make the same amount of profit? So profit loss का question है। उसने कहा है कि 60 toys थे और 40% discount दिया printed price पे। तो let us assume that the printed price is 100। तो अगर 100 पे 40% discount दे दिया तो 40 rupees का discount हो गया सीधा सीधा। That means the selling price would be 60 rupees, 40 का discount दे दिया। एंड स्टिल शी मेक्स 20% प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं हम यहाँ से। अगर सेलिंग प्राइस दिया हो, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज दिया हो, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, द कॉस्ट प्राइस वुड बी 100 upon 100 प्लस माइनस आर इंटू सेलिंग प्राइस, वेयर आर इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। यू मे कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस बाई यूजिंग अदर वेज ऑल्सो, बट दिस इज वॉट आई यूज वाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट प्राइज इफ सेलिंग प्राइज एंड प्रॉफिट लॉस परसेंटेज गिवन। तो अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस आ जाएगा फॉर्मूले में, और लॉस होगा तो माइनस आ जाएगा। तो अगर 60 सेलिंग प्राइस था तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 upon 100 प्लस 20, बिकॉज प्रॉफिट इज 20%। 100 प्लस 20 इज 120 इंटू सेलिंग प्राइस विच इज 60। और हमें यह भी कहा गया था कि देर आर 60 सच टॉयज। तो अगर यहाँ पे 60 रुपीज सेलिंग प्राइस था तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 60 टॉयज का? 60 into 60, दैट विल बी 3600। तुम टोटल कॉस्ट प्राइस ही निकाल लेते सीधा, यहाँ पे 3600 ही रख देते इसको। सो दैट इज 12 into 3, 3000 rupees, दैट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस। Now the question says that 10 of these toys are destroyed. तो बचे कितने? पहले थे 60, 10 are destroyed. Now the remaining are 50. So while selling the rest, how much discount should be given on the printed price so that she can make the same amount of profit? Same amount of profit मतलब जो total selling price पहले था 3600, वही same अभी भी उसको लेना पड़ेगा। तो अगर selling price let's say X है, तो total selling price 50X should be equal to 3600. तो x यहाँ से आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 into 7, 5 into 2, x वुड बी इक्वल टू 72 rupees। x हमने माना था द न्यू सेलिंग प्राइस। अब कितना उसको डिस्काउंट देना, हाउ मच डिस्काउंट शुड बी गिवन, दैट इज आस्क्ड। तो प्रिंटेड प्राइस था 100 rupees, न्यू सेलिंग प्राइस शुड बी 72 rupees, तो यानी उसने 28 rupees का डिस्काउंट दिया ऑन 100 rupees, दैट मीन्स डिस्काउंट ऑफ 28% शुड बी गिवन। सो दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व questions on profit and loss using simple formulas. Let's move to the next question now. This says a class consists of 20 boys and 30 girls. In the mid-sem exam, the average score of the girls was 5 higher than that of the boys. In the final exam, however, the average score of the girls dropped by 3, while the average score of the entire class increased by 2. The increase in the average score of the boys is how much? So this is a question of averages. अब average का एक standard formula होता है, average equals to sum of the terms divided by number of terms. तो जहाँ भी आपको average निकालना हो, ये formula आपको काम आएगा, sum of the term divided by number of terms. So there are 20 boys and 30 girls. So there are boys, there are girls. We have 20 boys and 30 girls, यानी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी,
क्लास की स्ट्रेंथ हो जाएगी 20 + 30, दैट इज 50. नाउ इट सेज इन द मिड सेमेस्टर एग्जाम, तो मिड सेमेस्टर एग्जाम में द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स वॉज 5 हायर देन दैट ऑफ बॉयज. तो अगर बॉयज का एवरेज एक्स था तो गर्ल्स का एवरेज उससे 5 ज्यादा होगा, एक्स प्लस 5. इन द फाइनल एग्जाम हाउएवर द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप्ड बाई 3. तो मिड सेम के बाद अब उन्होंने कहा है कि फाइनल एग्जाम भी हुए तो गर्ल्स का जो स्कोर था इट ड्रॉप्ड बाई 3. तो अगर एक्स प्लस 5 था तो एक्स प्लस 5 में से माइनस 3 हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स प्लस 2 बचेगा. वाइल द एवरेज स्कोर ऑफ द एंटायर क्लास इंक्रीज्ड बाई 2. तो यहाँ पे जो एंटायर क्लास का एवरेज था मिड टर्म में उसमें प्लस 2 हो जाएगा, लेकिन मिड टर्म में एवरेज क्या था एंटायर क्लास का वो हमें नहीं पता. तो सबसे पहले तो वही निकाल लेते हैं, व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द एंटायर क्लास इन द मिड टर्म एग्जाम. तो एवरेज होता है सम ऑफ द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स. तो पूरी क्लास का एवरेज अगर निकालना है हमें, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द मार्क्स बॉयज प्लस गर्ल्स सबके मार्क्स मिला के जो भी सम आएगा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 50. तो सम ऑफ बॉयज मार्क्स इज 20 × x, ये मिड टर्म की बात कर रहे हैं, प्लस सम ऑफ गर्ल्स मार्क्स वुड बी 30 × x + 5, नंबर ऑफ गर्ल्स इंटू एवरेज ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास, दैट इज 50. तो ये हो जाएगा 20x + 30x + 150 डिवाइडेड बाई 50. एक जीरो तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगी, सो दैट विल बी 5x + 15/5, और वी कैन से 3x + 5. सॉरी दैट वॉन्ट बी 3x + 5, 5 कॉमन आ जाएगा, सो दैट विल बी x + 3. सो द एवरेज एयर वुड बी x + 3. अब उसने कहा कि ये जो एवरेज था दैट एवरेज स्कोर ऑफ द एंटायर क्लास इंक्रीज्ड बाई 2. सो x + 3 से +2 हो जाएगा, यानी x + 5 हो जाएगा. सो आई एम डूइंग इट वेरी स्लो सो दैट ईच वन ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड इट. सो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 20 बॉयज़ थे, 30 गर्ल्स थी, तो टोटल क्लास की स्ट्रेंथ हो जाएगी 50. मिड सेमेस्टर एग्जाम में बॉयज़ का एवरेज हमने x मान लिया, तो गर्ल्स का उसने कहा कि 5 ज़्यादा था तो x + 5. सिमिलरली एंटायर क्लास का हमने एवरेज निकाल लिया बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो आ गया x + 3. अब फाइनल एग्जाम में दिस ड्रॉप्ड बाई 3, तो x + 5 की जगह x + 2 रह गया, एंड द एंटायर क्लास इंक्रीज बाई 2, तो x + 3 की जगह x + 5 रह गया. अब उसने कहा कि वॉट इज द इंक्रीज इन द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज. तो एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज यहाँ पे जो था ये वैल्यू हमें बतानी है कि अब ये कितना इंक्रीज हो जाएगी. तो एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज वुड बी अगेन सम ऑफ बॉयज स्कोर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बॉयज विच वॉज 20. अब सम ऑफ बॉयज स्कोर इन फाइनल एग्जाम वो कितना होगा, टोटल जितना क्लास के मार्क्स थे उसमें से अगर गर्ल्स के मार्क्स घटा दें, इफ यू सब्ट्रैक्ट द टोटल मार्क्स ऑफ द क्लास, और उसमें इफ यू टेक द टोटल मार्क्स ऑफ द क्लास एंड सब्ट्रैक्ट द मार्क्स ऑफ द गर्ल्स, देन वील गेट द सम ऑफ द बॉयज स्कोर. तो टोटल क्लास के मार्क्स कितने होंगे, 50 × x + 5. गर्ल्स के मार्क्स कितने होंगे, 30 × x + 2. ये फाइनल एग्जाम की बात हो रही है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें एंड डिवाइड कर दें 20 से, तो दैट विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू. सो तो ये हो जाएगी 50x + 250 - 30x + 60/20. तो 10 कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, 5x - 3x = 2x. 25 + 6 = 31, that is 2. This sign would be negative क्योंकि ब्रैकेट है यहाँ पे, तो माइनस प्लस वुड बी माइनस, दिस विल बी -6. तो 25 - 6 हो जाएगा ये रादर देन +6, तो दैट विल बी 19. तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x + 19/2 = 9.5. तो पहले वैल्यू थी x, अब हो जाएगी x + 9.5. तो वो पूछ रहा है कितना इंक्रीज हुआ, तो द इंक्रीज इज 9.5. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन,
एवरेज के क्वेश्चन में रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस विल बी ऑफ एन इमेंस यूज टू यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इट्स इज फ्रॉम अ ट्राइंगल ए बी सी विथ साइड्स 40 feet, 25 feet एंड 35 feet. अ ट्राइंगुलर पोर्शन ऑफ जी बी सी इज कट ऑफ व्हेन जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ए बी सी. द एरिया इन स्क्वायर फीट ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज, एंड देर आर फोर ऑप्शन ए बी सी डी. तो ट्राइंगल का क्वेश्चन है ये, और हमें कहा गया है कि जी उसका सेंट्रॉइड है. तो लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज अ सेंट्रॉइड. सो इफ दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी, बी सी का मिड पॉइंट अगर ये है और उसको ए से मिला दें, सो दिस इज नोन एज मीडियन. सिमिलरली ए सी के मिड पॉइंट को अगर बी से मिला दें तो ये दूसरा मीडियन हो जाएगा. सिमिलरली ए बी के मिड पॉइंट को अगर सी से मिला दें तो ये तीसरा मीडियन हो जाएगा. सो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल दीज थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इज नोन एज द सेंट्रॉइड. तो हमें क्वेश्चन में सेंट्रॉइड दिया था, तो दैट्स वाई आई एक्सप्लेन टू वट अ सेंट्रॉइड इज. सो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द थ्री मीडियंस इन अ ट्राइंगल, तो ये उसने कहा कि दिस इज जी. अब एक साइड 40 है, एक 25 है, एक 35 है. लेट्स से दिस इज 40, दिस इज 25, दिस इज 35. अब सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी होती है, तो सेंट्रॉइड डिवाइड्स द एंटायर ट्राइंगल इनटू 6 इक्वल ट्राइंगल्स. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन छह एंगल्स, इन छह ट्राइंगल्स का एरिया जो होगा दैट विल बी सेम. तो अगर ये एक्स है तो सारे एक्स होंगे. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेंट्रॉइड, दैट यू नीड टू रिमेंबर. अब उसने कहा कि जी बी सी पोर्शन को हमने कट कर दिया, तो जी बी सी दैट मीन्स दिस पोर्शन हैज़ बीन कट ऑफ. दैट मीन्स टोटल जो ट्राइंगल था उसका एरिया था 6x, उसमें से 2x हमने हटा दिया. दैट मीन्स 2x अपॉन 6x, 1/3 एरिया हमने रिमूव कर दिया. तो अगर 1/3 एरिया रिमूव कर दिया तो बचेगा क्या, 2/3 एरिया बचेगा. तो जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, तो उसने कहा कि द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया होगा 2/3 ऑफ द एरिया ऑफ द अर्लियर ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी व्हेन ऑल द साइड्स आर गिवन, वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर जो होती है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, जहाँ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज 40, बी इज 25, सी इज 35. तो 40 प्लस 20 60, 90, 100 अपॉन 2, तो एस आ जाएगा 50. इस एरिया का 2/3 कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. तो 2/3 ऑफ रूट एस इज 50 इंटू 50 माइनस ए की वैल्यू हमने मानी थी 40, 50 माइनस 40 इज 10 इंटू रूट 50 माइनस 25 इज 25 इंटू 50 माइनस 35 इज 15. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 25 का स्क्वायर रूट तो सीधा 5 बार आ जाएगा. अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10, क्योंकि एक 10 हमारे पास ऑलरेडी है. तो 50 को हमने लिख दिया 5 इंटू 10. इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3. तो 10 इंटू 10 एक 10 बार आ जाएगा. 5 इंटू 10, 5 इंटू 5 एक 5 बार आ जाएगा. रूट 3 अंदर बच जाएगा. सो दैट विल बी 5 इंटू 2 10 इंटू 10 100 इंटू 5 500 रूट 3 अपॉन 3, और वी कैन से 500 अपॉन रूट 3. सो दैट विल बी द आंसर विच इज बी ऑप्शन. तो इन द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ज्योमेट्री यू नीड टू रिमेंबर सर्टेन प्रॉपर्टीज, जिनके बिना आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे. तो इस क्वेश्चन में पूछा तो उसने एरिया ही था, बट अगर आपको सेंट्रॉइड की डेफिनेशन नहीं पता और सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी नहीं पता, देन इट वुड बी इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. द एरिया ऑफ द क्लोज्ड रीजन बाउंडेड बाई दिस इक्वेशन, एक मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू टू इन टू डायमेंशनल प्लेन इज हाउ मच. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज योर कैट एग्जाम इज कंसर्न्ड. इसी पैटर्न पे 3 से 4 बार क्वेश्चन आए हुए हैं कैट में अलग अलग वैल्यूज़ के साथ. सो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है पहले वो देख लेते हैं.
if y equals to mod x, this is the definition of modulus function. If y equals to mod x, then y would be plus x if x is greater than 0, and y would be minus x if x is less than 0. That is the definition of modulus function. Yani is equation ki value plus may bhi ho sakti hai, minus may bhi ho sakti hai, both x and y. तो ये ऐसे भी हो सकता है x प्लस वाई इक्वल्स टू टू, या ये ऐसे भी हो सकता है माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टू, या ये ऐसे भी हो सकता है x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो तो x माइनस वाई इक्वल्स टू टू, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है कि x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो. तो चार पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. अब हमें एक इक्वेशन पता है, अगर आपने टेंथ क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सही से पढ़ी हो, तो x अपॉन a y upon b equals to 1. So we'll try to compare this with this equation. तो इसी फॉर्म में बना लेते हैं. सबसे पहले ये वाला केस लेते हैं. तो x upon 2 plus y upon 2 equals to 1. तो अगर इस वाली इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू भी 2 होगी. नाउ लेट्स प्लॉट दिस. Those who are not well versed with the coordinate geometry, please go back to your class 10th and brush up your basics. Because CAT mein most of the questions will be your 10th level ka mathematics. Uske upar ke ek do hi topic aate hain. So a equals to 2 plus 2, b equals to plus 2. So x axis pe plus 2, y axis pe plus 2, in dono ko join kar dijiye. So ye aa jayega. सिमिलरली अगर दूसरा केस लें तो x अपॉन माइनस 2 को इधर ले आते तो माइनस 2 हो जाएगा प्लस y अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू 1. मैंने इस फॉर्म में बनाने के लिए इसको ऐसे लिखा है. तो यानी a की वैल्यू माइनस 2, b की वैल्यू भी माइनस 2, तो x एक्सिस पे भी माइनस 2 आएगा. दिस इज माइनस 2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज माइनस 1, दिस इज माइनस 2. तो x एक्सिस पे माइनस 2, y एक्सिस पे भी माइनस 2, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए. So that will be another line. Similarly, तीसरे केस में लेते हैं x upon 2 plus y upon minus 2 equals to 1. तो यहाँ पे a equals to plus 2, that means this value x axis पे, y पे minus 2, that means ये दोनों join हो जाएंगे अब. Similarly, इस केस में आएगा x upon minus 2 plus y upon 2 equals to 1, that means a equals to minus 2 here and b equals to plus 2 here, इन दोनों को join कर दीजिए. So that will be the रीजन बाउंडेड बाई दिस इक्वेशन. तो अब मैं अब ये पूरा एरिया निकालना है. अब अगर देखें तो दिस वैल्यू इज 2, दिस वैल्यू इज ऑल्सो 2. तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा. ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. यहाँ पे बेस भी 2 है और हाइट भी 2 है, तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा. तो एक छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 2, और ऐसे ऐसे चार ट्राइंगल हैं तो टोटल एरिया हो जाएगा 4 इंटू 2, दैट इज 8. सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी ऑप्शन. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन. आई होप यू विल प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन, बिकॉज हो सकता है एक बार में क्वेश्चन ना सॉल्व हो. इनकेस यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन और रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन इन जनरल, यू कैन मेल ऑन द ईमेल आईडी गिवन बिलो. We'll again meet in the next session now.